रक्षाबंधन पर्व है प्यारा, इसको मानता है जग सारा, भाई बहन का पावन नाता इस उत्सव से जाना जाता। श्रावण मास की पूर्णमासी, इस दिन बहना बांधती राखी, बहन लुटाती अपना प्यार, भाई की खातिर बहना वंदन, करती है भगवान का पूजन, अहित न होगा कभी भी तेरा भाई भी बहन को देता वचन है, जब तक बहना ये जीवन है, हर पल रक्षा करूँगा तेरी, सबसे पावन है अनमोल, इस बंधन का नहीं है मोल, सब बंधन में सबसे प्यारा रक्षाबंधन पर्व हमारा। कब से हम ये पर्व मनाएं, प्रचलित इसकी कई कथाएं, उनमें से कुछ आओ बताएं, त्रेता युग में राजा बलि था, बहुत ही वो शक्तिशाली था, विष्णु जी को मानने वाला, उनकी पूजा करने वाला, स्वर्ग की खातिर यज्ञ किया था, उसने तो महायज्ञ किया था, इससे इंद्र देव घबराए, वामन का अवतार लिया, तब नारायण जी आए धरा पर, राजा बलि के पास में पहुँचे, अहम में राजा बलि ने उनको बोला, जो इच्छा है मांगो, वामन रूप में विष्णु बोले, राजा बलि का तोड़ने आए थे अभिमान, वामन देव का इसीलिए रूप धरे भगवान, राजा बलि ने हामी भर दी, उनकी इच्छा पूर्ण कर दी, विष्णु ने आकार बढ़ाया, देवलोक एक पग में मापा, दूसरे से भूमंडल सारा, तीसरा पग कहाँ रखूं कहो, अपने वचन को पूरा करो, राजा बलि थे वचन के पक्के, पांव रखो तीजा मेरे सर पे, बलि के सिर पर पांव जमाया, हुए विष्णु जी बलि से, बोले वरदान मांगो मुझसे, द्वारपाल मेरे बन जाओ, राजा बलि बोले विष्णु से, विष्णु अपने वचन में बंध गए, द्वारपाल फिर उसके बन गए, बिन विष्णु के माता लक्ष्मी चिंतित होकर लक्ष्मी आई, नारद ने एक युक्ति सुझाई, वेश बदल कर माता जाओ, बलि को अपना भाई बनाओ, माता बलि के पास में आई, धागा बांधा उसकी कलाई, बलि ने बोला बोलो बहना, तभी से ये उत्सव है मनाते, बहन से भाई राखी बंधाते, सबसे निर्मल सबसे कोमल, भाई बहन का रिश्ता है निश्चय, राखी का धागा रक्षा कवच है, भाई बहन को देता वचन है, मान तेरा गिरने नहीं दूंगा, वचन बहन को जो दिया जाता, भाई उसको सदा निभाता, प्रेम त्याग सद्भाव का बंधन, भाई बहन के प्यार का बंधन, भाई बहन के रिश्ते का पावन ये त्योहार, धूमधाम से हर एक साल मनाता है संसार।
रक्षाबंधन से संबंधित और कहानी प्यारी है। द्रौपदी कृष्ण की गाथा सुनाए, पांडवों ने जब यज्ञ कराया, श्री कृष्ण को उसने बुलाया, किया सभी ने उनका मान। शिशुपाल भी इसमें आया, कृष्ण का उसने व्यंग उड़ाया, कृष्ण ने उसको था समझाया, लेकिन वो तो समझ न पाया। धर्मराज से शिशुपाल बोला, मायावी है ये एक ग्वाला, क्यों करते हो इसका मान। कृष्ण को उस पर गुस्सा आया, चक्र सुदर्शन उन्होंने चलाया, कृष्ण की चक्र से उंगली कटी थी, लहू की धारा उससे बही थी। फौरन द्रौपदी आई दौड़ती, उसने अपनी साड़ी फाड़ी, कृष्ण की उंगली पर उसे बांधा, भक्तों हुई थी जब ये घटना, श्रावण का था वो तो महीना, रक्षा बंधन तब से मनाते, हमको बतलाते। भरी सभा में चीर हरण हुआ, केशव ने तब चीर बढ़ाया, वचन दिया था जो द्रौपदी को, एक और है इसकी मान्यता, तुमको वो भी हूँ बतलाता, मन को लगा कर इसको सुनना, श्री गणेश को वंदन करना। बात ये है श्री गणपति जी की, मनसा नाम की इनकी बहन थी, बहन ने बंधवाया रक्षा सूत्र, अपनी बहन से क्यों मैंने रक्षा सूत्र बंधवाया। रक्षा सूत्र का मतलब दोनों बच्चों को समझाया, श्री गणेश की सुनकर बातें, कहने लगे दोनों ही बेटे, जैसे भी हो बहना लाओ, हठ दोनों ने करी थी न्यारी, बहन हमें भी चाहिए प्यारी, बहन से हम भी प्रेम बढ़ाएं, रक्षा सूत्र बनाए। गणेश ने तब एक ज्योति रचाई, पत्नियों की शक्ति में मिलाई, शक्ति से जो प्रकट हुई थी, पर्व है ये तो बड़ा निराला, भाई है वो किस्मत वाला, जिसके होती बहना प्यारी, बहना खुशियों की फुलवारी, भाई बहन का नाता प्यारा, इसको मानता है जग सारा, युगों युगों से है ये प्रथा, बहन की भाई करता बहन का हर दुख भाई लेता, अपनी खुशियाँ सारी देता, बहन कभी वो दुखी न होती, जिसका हितेशी भाई होता, बहन के सपने पूरे करते, बहन पे जान न्यौछावर करते, छोटा हो या हो भाई बड़ा, बहन को प्रेम करे वो सदा, दूर किसी की बहन जो होती, उस भाई की आंखें रोती, रक्षा बंधन के दिन लेकिन बहना भाई से मिलने आती, देश विदेश में से मनाते, भाई बहन पर प्यार लुटाते, भाई बहन का सच्चा रिश्ता, रिश्ता है ये मन से मन का, ईश्वर ने ये रिश्ता बनाया, प्रेम पुष्प से इसे सजाया, शर्मा है किस्मत का धनी, इसको प्यारी बहना मिली, प्रेम भाव की ये रीति ईश्वर ने है बनाई, बहना वो खुश किस्मत है जिसके साथ है भाई।